हेलो नमस्ते जी। आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी एकदम अलग और डिफरेंट तरीके से। रोज़ के खाने से हम बोर हो जाते हैं तो कुछ अलग ज़रूर ट्राई करते हैं जिससे घर वाले का मन एकदम खुश हो जाएगा। जिसके लिए मैंने लिया है लौकी। अब लौकी को हम ऐसे छील लेंगे, अच्छे से छील के निकाल लेंगे। हमारी लौकी नरम सॉफ्ट और एकदम ताज़ी है। तो देखिए हमने लौकी को ऐसे ही छील के निकाल लेनी है। अब निकालने के बाद इसको मैं पहले से ही धो के साफ़ कर ली हूँ। चाकू के सहायते से ये ऊपर का भाग कट कर लूँगी और नीचे से भी कट करूँगी। अब इनको दो टुकड़े में कर लूँगी मैं। अब इनको घसनी से घस लेंगे। तो देखिए मैं इसमें इनको कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से। ये बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं, नरम लौकी, बीज बिल्कुल नहीं है इसमें। आपको इस तरह नहीं जमता है तो चाकू से दो भाग कर दीजिए इसको और फिर कद्दूकस करिए। तो देखिए मैंने दो भाग कर लिया। अब फटाफट से इसको कर लेंगे कद्दूकस। तो हो गए ना हमारे। अब इसी तरह हम सारे लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। फिर हम देखिए लौकी कितना बढ़िया दिख रहा है ना। अब इसमें एक आलू मैंने लिया है। आलू ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो यूज करिए वरना स्किप कर सकते हैं। मैंने एक आलू डाली है इसमें, इसको भी कद्दूकस कर ली हूँ। अब हाथों की सहायता से ऐसे मसल मसल के लौकी का पानी निकाल लेंगे, क्योंकि लौकी में नमक डालेंगे ना तो और पानी निकलेंगे। तो हम सारे लौकी को ऐसे ही मसल मसल के पानी निकाल लेंगे। और इस पानी को फेंकनी नहीं, आप ग्रेवी में यूज कर सकते हो या फेस पैक बना के लगा सकते हैं इस पानी को। तो देखिए हमारे सारे पानी निकल गए लौकी के। हम मसाले तैयार करूँगी, जिसमें मैंने लिया है प्याज और मैं 8 से 10 लहसुन की कली डालूंगी। अब गरम मसाले लौंग इलायची दालचीनी जावित्री डालेंगे। अब इनको मैं क्रश कर लूंगी, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करनी। ये टमाटर और धनिया का पेस्ट बना लूंगी। अब मैंने जो लौकी रखी थी ना, इसमें 4 से 5 चम्मच बेसन डालूंगी बाइंडिंग के लिए। थोड़े से कलर चेंज हो गया है, अजवाइन डालूंगी। कड़ी पत्ता आपके पास हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। आलू डालने से थोड़ा कलर चेंज होता है। अब इसमें नमक हल्दी डालूंगी। अब डालेंगे धनिया। अब थोड़ा सा गरम मसाला डाले हूँ मैं और धनिया पाउडर डालूंगी और थोड़ी सी तीखी मिर्च डालूंगी। अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। नमक डालने के बाद भी इसमें से पानी निकलते हैं फ्रेंड। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब फिर इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, वरना पानी बाहर रखेंगे तो और पानी हो जाएगा। अब मैंने लिया है कढ़ाई। अब मैं इसमें तेल, राई तेल है मेरा गर्म हो गया है। इसमें मैंने डाला जीरा और कड़ी पत्ता। अब ये प्याज का प्यूरी। अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं यहीं पे डालूंगी 3 से 4 लहसुन का गांठ। ये ग्रेवी में पकने से बहुत बढ़िया टेस्ट आते हैं तो इस तरह डालते हैं हम। इसमें नमक हल्दी डालती हूँ। अब डालूंगी कलर वाली मिर्ची, ताकि हमारे ग्रेवी में बढ़िया सा फ्लेवर आए, कलर दिखे अच्छा। अब इसमें टमाटो का प्यूरी डाल दी हूँ मैं। अब इनको मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी ये पे देखिए, ये तीखी वाली मिर्ची है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे तेल सेपरेट होने तक। फिर मैंने घर के दूध का ये मलाई है मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है हमने। अब इनको डाल के बढ़िया से तेल सेपरेट होने तक हमको इसको पकानी है। अब तब तक हम ये लौकी का बना के रखे थे ना, देखिए इसको ज़्यादा कड़क और गीला भी नहीं करना है, फ्रिज में रखने से ही है। पानी बिल्कुल नहीं निकला है और बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसी तरह प्लेट में टैप टैप करके, कढ़ाई पहले से रखी थी गर्म होने को, इसमें 5 मिनट हमको उबालनी है। फट से ये तैयार हो जाते हैं। देखिए मैं चेक करती हूँ, हो गया है ना एकदम बढ़िया तैयार। अब इनको ठंडा होने के बाद हम ऐसे चाकू से कट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से शेप दीजिए। मैं तो इसी तरह इसको कट की हूँ। कितना बढ़िया निकल गए, देखिए सेट हो गए हैं बढ़िया से। अब हमारे सब्जी में तेल भी सेपरेट हो गए हैं और मसाले अच्छे से पक भी गए हैं। दिख रहा है ना ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया। अब इसमें सारे बॉडी को ऐड कर देंगे और पानी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। आप पानी ऐड करिए। देखिए मैंने शाही गरम मसाला ऐड किया इसमें और इसमें 1 मिनट तक इसको पकाऊंगी मैं, ताकि बॉडी में मसाले अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और 5 मिनट इसको
पकाऊंगी। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरी सब्जी कैसी बनी है। देखिए मैं प्लेट में सर्व करती हूँ और ज़रूर बना के अपने घर वालों को खिलाइएगा, खुश हो जाएंगे।